कोरोना वायरस के शहर में गंभीर रूप से बढ़ रही महामारी और अस्पताल में भरे पड़े वैसे दर्दियों के बेड के सामने तानलजा स्थित दारू उलम मस्जिद में अब कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां ऑक्सीजन की लाइन के साथ कनेक्टेड वैसे 142 जितने बेड की सुविधा आने वाले 4 दिनों में उपलब्ध करवाई जाएगी। वडोदरा शहर में कोरोना वायरस की महामारी अब गंभीर रूप धारण करने के साथ दिन प्रतिदिन काफी विकट बन रही है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव दर्दियों की तादाद में गंभीर रूप से बढ़ावा होने के साथ सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल कोरोना पॉजिटिव दर्दियों की बेड से भरे पड़े हैं। तो वहीं अब हालात इतने गंभीर बने हैं कि कोरोना पॉजिटिव नए दर्दियों के लिए अस्पताल में कोई भी जगह नहीं रही। ऐसे में प्रशासन द्वारा शहरी छात्रालय हो, मंदिर हो या अन्य विभागों में अब कोविड केयर सेंटर निर्माण करने की व्यवस्था का आयोजन किया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए तानलजा विस्तार में आए हुए दारू उलम मस्जिद स्थित ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ 142 बेड की सुविधा धारित कोविड केयर सेंटर का निर्माण का आयोजन किया है। पहले यानी कि पिछले साल वाड़ी स्थित जहांगीरपुरा मस्जिद पर 50 बेड की कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया था। दारू उलम के मुफ्ती आरिफ फलही ने इस बारे में बताया था कि कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर तथा मेडिकल स्टाफ सहित कुल 20 लोगों का स्टाफ रहेगा, जिसमें 3 एमडी डॉक्टर को भी शामिल किया है। पिछले साल यानी कि वर्ष 2020 में यही संस्था के स्कूल में 3 महीनों के लिए कोविड केयर अस्पताल शुरू की गई थी। 4 से 5 दिनों में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत अब कर दी जाएगी, जहां दारू उलम के पहले 3 मंजिल पर कोविड दर्दियों को रखा जाएगा, जो ये अस्पताल में 142 बेड हो गए। आने वाले दिनों में ये बेड में सुविधा में भी बढ़ावा किया जाएगा। हर एक बेड ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ सज्ज बनाए जाएंगे। तो वहीं अस्पताल में भर्ती वैसे दर्दियों के लिए भोजन सहित हर एक सफाई कामगिरी की व्यवस्था का भी आयोजन किया जाएगा। क्या व्यवस्था की है आपने यहाँ दारू उलम में? दारू उलम में हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस महामारी को बढ़ते हुए देखकर लोगों को बेड और सुविधा नहीं मिलती है, तो 142 बेड की सुविधा की है, जिसमें ऑक्सीजन 10 वेंटिलेटर और बायपेप की सुविधा रहेगी। और पूरी प्रीमाइसिस में हमारे पास 1000 बेड की जगह और गुंजाइश है। तो गवर्नमेंट का कोऑपरेशन रहेगा तो हम आगे 1000 बेड तक भी जा सकते हैं इंशाल्लाह। अभी क्या व्यवस्था है? अभी 142 बेड जिसमें ऑक्सीजन और 10 वेंटिलेटर रहेंगे और कुछ बाईपैप भी रहेंगे, जिसमें पेशेंट को पूरी सहूलत के साथ अच्छा करके इंशाल्लाह भेजने की कोशिश की जाएगी। ओके।